और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल बेमिसाल होने वाली है। आज की वीडियो में आपको खाने के ऐसे ऐसे खजाने दिखाने ना जिनको देख के आपको आने वाला बहुत ही ज्यादा मजा। तो आओ फटाफट भाई पहला खजाना लूटते हैं, पर वहां जाने से पहले ना घड़ी को करते हैं 20 साल पीछे। भाई 20 साल ना पीछे आ गए, आपको ऐसी दुकान दिखाने जहाँ पे 20 रुपए के अंदर सारा कुछ मिलता है। पूरी दुकान के मेन्यू के अंदर 20 रुपए से ऊपर कुछ आइटम ही नहीं है, और ऐसी ऐसी आइटम है आप सोचोगे 20 रुपए में मिल कैसे रही है। फटाफट आओ ना भैया, चलते हैं। इधर आ गया दुकान के अंदर। अंकल जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। थैंक यू सबसे पहले तो अंकल आपने अपना टाइम दिया, और ये मैं बोलूंगा आपको सलूट अंकल। आज के 2023 चल रहा है, 2023 में भी आप लोगों को 2003 वाले रेट पे खाना खिला रहे हैं। मैं तो बहुत पुराना रेट से दे रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे मार्जिन 2 रुपए चाहिए, 2 रुपए मुझे मिल जाता है जी। क्या बात है जी। अच्छा, नूडल समोसा है जी। ये नूडल समोसा है जी, ये 10 रुपीज है जी। ठीक है जी। यूनियन समोसा, ये आ गया मंचूरियन समोसा, 15 रुपीज है जी। ये 15 रुपए का जी। और ये आलू समोसा जी, ये आ गया आलू समोसे, 10 रुपीज है। ये 30 कोन रोल है जी। ठीक है जी। ये 20 रुपीज है जी। वाह वाह। पनीर समोसा हो गया, ये आ गए पनीर वाले समोसे भाई, ये 15 रुपीज है जी। वाह वाह वाह। चीज चिल्ली रोल हो गया। ठीक है जी। और ये आपके नीचे जो है ये पास्ता समोसे हैं। वाह वाह वाह। ये सारे 15 रुपीस है जी। आलू पैटीज जी, पनीर पैटीज और नूडल पैटीज। अच्छा जी। ये 13 रुपीस है जी। 13 रुपए की है। हाँ जी, 13 रुपए से। इसका साइज ये देखो भाई, इसका कम से कम मिनिमम से 125 या 150 ग्राम तक होगा इसका। 150 ग्राम का है, और बाग ग्राहकों की भीड़ देखो। और कितने टाइम से अंकल रेट यही है अपना बढ़ाया है? रेट तकरीबन 20 साल से यही रेट चल रहा है। तो एक और चीज अंकल जो मेरे को लगता है 1995 से ही है, लेमन कितने की अपने पास? लेमन मेरे पास 7 रुपए की है। 7 रुपए की है ना। इसमें मुझे 2 रुपए मार्जिन या 1.5 रुपए मार्जिन मिल जाता है। अच्छा, यही बहुत है मुझे। ये लेमन है जी। ये देखो जी, ये गोली वाला बट्टा जिसको हम बोलते थे, गोली वाले बंटे वाली बोतल, 7 रुपए की अपने पास। वाह बहुत बढ़िया। और एक बार वो सामने अंकल दिखाइए वहाँ पे क्या क्या अपने पास। ये देखो भाई, ये पिज्जा 20 रुपए का, बड़ा पाव है जी। बड़ा पाव कितने का अंकल? बड़ा पाव 15 रुपए का। 15 रुपए का बड़ा पाव। हॉट डॉग है जी 15 रुपए का। बर्गर 20 रुपीज है जी, जिसमें कुलचा भी है जी, वो 20 रुपए का जी। मतलब अंकल जो स्कूल के बच्चे वो तो मतलब आपको दुआएं देते हैं रोज। मुझे क्या दुआएं देगी, वो अपने माँ बाप को देते हैं, क्योंकि उन्होंने 20 रुपए उनको देने या 50 रुपए देने, 20 खर्चा करते 30 रुपए और कहीं जाके खा लेते होंगे। सही है सही है। ये रहा पास्ता कंटेनर। मेरा पास्ता कंटेनर, और ये 20 रुपए का है ना? हाँ जी हाँ। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मंचूरियन है। पास्ता का दीजिए कंटेनर हमें। ये आ गया जी मंचूरियन कंटेनर। वाह वाह वाह, मतलब पूरी पार्टी हो जाती है अंकल 50 रुपए के अंदर। हाँ जी हाँ जी। ये देखो भाई, ये आ गया यहाँ का स्पेशल पिज्जा, और ये पिज्जा ना आपने बचपन में जरूर खाया होगा, बेकरीज में मिलता था तब। और ये कितने का रहता है? ये 25 रुपीज है जी। ये भी आप दे दीजिए। तो यार जितने अच्छे अंकल जी ना उतने ही अच्छा यहाँ का खाना। तो सबसे पहले आपको आओ पिज्जा दिखाता हूँ, और बाकी शहरों वाले मेरे जो भाई है ना, देख लो आपके शहर में 20 रुपए में पानी की बोतल आती है, पर हमारे में देखा जन्नत आती है, जन्नत। आ जाओ। बचपन की वो यादें हैं, जब भी खाओ ना ये बेकरी वाला पिज्जा ताज़ा हो जाती हैं। उस टाइम भी भाई 20 रुपए में ना स्लाइस मिलता था, पर यहाँ देखो 25 में पूरा पिज्ज़ा और 15 रुपए का स्लाइस भी दे देते हैं। भागे हो। ये रहा यहाँ का मंचूरियन वाला बाउल, 20 रुपए का बाउल है। ऐसे ही आपको बाउल देंगे, केचप देंगे, साथ में फॉक भी देंगे। ओ बढ़िया क्वालिटी का मंचूरियन यार। ये जगह उन मेरे दोस्तों के लिए है जो बचपन भूल चुके हैं, यहाँ पे आके तो बचपन याद आएगा। और एक ऐसे जो कंजूस दोस्त है ना जो पार्टी नहीं देते, उनको ले आके भाई 100 रुपए ही खर्च दे, 4-5 बाउल ले ले, वही खा के हम इन्जॉय कर लेंगे। पैसे भी उसके कम लगेंगे, इन्जॉय हो जाएगा ज़्यादा। और 7 रुपए के लेमन के साथ ही सारी आइटम खाने मजा आ जाना। ये जगह कमाल लगी ना, तो आगे वाली धमाल लगने वाली। देसी घी का सामान है भाई, देसी घी का। आ जाओ फटाफट, वहाँ पे भी चले। क्या गया आपको सबसे बढ़िया छोले कुलचे दिखाने अपने शहर के? संजीवा जी क्या हाल है? ठीक है भाई। तो भाई ये देखो सामने आते ही अपने छोले लग रहे हैं। और ये भाजी मटर होते हैं, छोले होते हैं? ये छोले भाई, छोले होते हैं ना, दिल्ली साइड चलते हैं मटर भाई। पंजाब में आपको ओरिजिनल छोले मिलेंगे। अब ये देखो मिक्सिंग की जा रही है, इसके अंदर मिर्ची आ चुकी है। क्या क्या है संजीवा जी इसके अंदर? नमक, मिर्ची, मसाला, प्याज, इमली की चटनी। और ये किया जा रहा है सारे सामान को रिमिक्स। और ये छोले बन के तैयार है, और बीच में टमाटर भी है, प्याज भी है। और ये भाई छोले ऊपर, छोले आ गए ऊपर, अब ये गर्म होंगे। तो ये देखो यार, ये छोले कुलचे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। ये कुलचे का मसाला बना के उसके ऊपर आना शुरू किया बटर। हुआ ये देखो यार, ये आ गए प्याज बढ़िया से ऊपर एकदम पूरे फैला के, और ये आ गए टमाटर। अब दिल्ली साइड से जो मेरे भाई देख रहे हैं ना, देखो दिल्ली में जैसे आपके छोले कुलचे चलते हैं ना, पंजाब वाले छोले कुलचे बिल्कुल अलग रहते हैं उससे। ये मसाला कौन सा रहा भाजी? मसाला गरम मसाला, गरम मसाला, नमक, या की लाल मिर्च। मैं क्या सर, एक तो ये भरमा कुलचा फेमस अपना, एक पिज्जा कुलचा भी होता ना अपने पास। ये देखो लुधियाना के स्पेशल आइटम भी है इनके पास।
पिज्जा कुलचा और ऊपर आ गया पनीर भर के। तो ये देखो यार प्रॉपर आपको दिखाता हूँ कुलचा कैसे लगता है। यहाँ पे छोले आगे बीच में, ये आ गया पनीर का स्लाइस और एक्स्ट्रा बटर बाजी। ये बटर आ गया, ये क्रीम आ गई। पहले बाजी कम रह गया था बटर, इतना और आएगा। ये पनीर पनूर वाले बन रहे ना, ये पनीर के अंदर आपको एक्स्ट्रा बटर मिल जाएगा। ये देखो प्रॉपर लग के तैयार है और ये लग रहा दूसरा कुलचा। भाई ये सब तो दिखाई दे, अब साथ साथ एक पिज्जा कुलचा भी दिखाई दो कैसा बनता है। भाई ये देखो ये लग रहा लुधियाना का स्पेशल पिज्जा कुलचा, ये देखो जो हमारा फेमस है सर। वाह, ये कुलचा जाता पहले ऐसे ऊपर छोले के और ये टॉपिंग लगा के ना हाथ से और फ्लैट घुमा के ये आ गया ऊपर। अब ये देखो पिज्जे का बेस तैयार है, अब ऊपर टॉपिंग तैयार हो रही है ना। ये है भाई प्याज, शिमला मिर्च आ गई, अब ये आ गए कुछ मसाले। भाजी इटली वालों ने तो नहीं सोचा होगा पंजाब में पिज्जे के साथ ये होगा, उन्होंने नहीं सोचा होगा ना। अब सोच लिया उन्होंने कि देसी पिज्जा भी आ गया। सही है, अब इटली तक भाई बात पहुंची होगी कि लुधियाना के अंदर पिज्जा के साथ ये चीज हुई है, देसी पिज्जा भी आ गया। अब ये देखो जी, अब पिज्जा के अंदर तो आता भाई चीज भी, जिसमें चीज की जगह आते हैं छोले। अब ये आया पिज्जा सीधा ऊपर, ये देखो जी ये लुक चेक करो भाई। पाजी अभी तो अधूरी है ये फिल्म है ना। हाँ जी हाँ जी, अभी हुआ तो अभी तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ आएगा सर। ये देखो जी अब शुरू होगा भाई कुलचे पे पिज्जा बनना, हर स्लाइड पे बटर आएगा सर। ये देखो जी चार स्लाइस और चार के चार स्लाइस के ऊपर आएगा बटर, वेरका का बटर। मतलब दो दोस्तों में लड़ाई ना हो कि भाई तू मक्खन ज्यादा खा गया मैं कम खा गया ना। जी हाँ जी, ये आ गई ऊपर जी क्रीम, ये ऊपर आ गए जी ऑरेगानो, हाँ जी चिली फ्लेक्स। अब ये देखो जी इटली वाले तो डालते हैं चीज, पर यहाँ पे डलता पनीर। लो जी सर कितने का भाई ये पिज्जा कुलचा? ये सर 50 का है। तो भाई ये जिस जगह लेके आया ना, ये मेरी फेवरेट कुलचा शॉप, क्योंकि ये देखो यहाँ मिलते एकदम बढ़िया कमाल के देसी वाले कुलचे। अब देसी में थोड़ा विदेशी है, क्रीम क्रूम डाल दी, आप मत डलवाना, नींबू डलवा के केला मजा आता है। ये कुलचा जय माता दी। अब ये भाई नीचे देखो प्रॉपर सेक के ना मक्खन के साथ, फटाफट आओ। बढ़िया मसाले, बढ़िया मक्खन, ऊपर से बढ़िया नींबू की खटास, नज़ारा जाता आह। आए बनाया भी पूरा रूह के साथ भाई ने, अगर आपको भी खाना तो आ जाना फटाफट, और एक से कुछ नहीं बनेगा भाई, दो खाना ये लगा ना जबरदस्त। आगे वाली जगह देख के तो भाई आत्मा खुश हो जाएगी, फटाफट चलो। जिस जगह लेके आए ना, यहाँ की चाट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे चाट खाने। देखो पापड़ी आ गई, भल्ला आ गया। कितने की रहती भाजी चाट की प्लेट? 60 रुपये की प्लेट है। बढ़िया से आ गए मसाले, ये है प्याज, हरी चटनी। ये किस चीज़ की होती है भाई लाल वाली? गुड़ इमली, गुड़ इमली और चीनी की। और ये आ गया एकदम ठंडा दही, बहुत ही बढ़िया, 0 नंबर सेफ। तैयार है भाई चाट लग के? देखो भाई सेकंड्स के अंदर चाट लग के तैयार। तो भाई इतनी चटोरी वीडियो की जो अंत है ना, वो कैसे बिना चाट के अधूरा रहता है। ये देखो एकदम बढ़िया चाट है। ओहो ये देखो ऐसे लो पापड़ी, दही से नहलाओ। और आपको कितना मज़ा आया इस वीडियो में कमेंट करके बताओ, और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और ये खा के मैं इंजॉय करता हूँ।